नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, प्यार वो नहीं जो समय के साथ बदल जाए, प्यार वो नहीं जो समय के साथ बदल जाए, अरे प्यार तो वो है जब समय बदले और प्यार वही रहे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके भाई प्रदीप सर पे। और जो हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज सीरीज स्टार्ट की हुई थी उसमें आपका अपार प्रेम मिल रहा है। तो प्यारे बच्चों, आज हम है ना जो तीसरा डिस्ट्रिक्ट मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो कौन सा रहेगा हमारा, वो तीसरा डिस्ट्रिक्ट आज हम है ना अंबाला पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? अंबाला पढ़ेंगे। और अंबाला है ना इस डिटेल से आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको कोई भी दिक्कत आए ना, यहाँ से आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो। थोड़ा सा अंबाला के बारे में, जैसे आप जब मैप देखोगे ना उस हिसाब से आप अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर पाओगे। तो मैप के हिसाब से थोड़ा सा अंबाला के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। ये आपका अंबाला है, क्या है ये आपका, कौन सा रहेगा अंबाला? तो सीमा प्यारे बच्चों, अंबाला किससे बनाएगा? ये सीमा बनाएगा पंचकुला से, सीमा बनाएगा, ठीक है। और इधर किससे सीमा बनाएगा? यमुना नगर से सीमा बनाएगा। और इधर किससे सीमा बनाएगा? ये कुरुक्षेत्र से सीमा बनाएगा। किससे सीमा बनाएगा? कुरुक्षेत्र से सीमा बनाएगा। और प्यारे बच्चों, ये किस रेंज में है? उत्तर पूर्व में, जैसे शिवालिक, शिवालिक की पहाड़ियां, ठीक है। शिवालिक की पहाड़ियां है ना वो कहां पर पाई जाती है? अंबाला में कौन सी पहाड़ियां पाई जाती है? शिवालिक की पहाड़ियां पाई जाती है। और शिवालिक की पहाड़ियां पाई जाती है इसीलिए HSSC पूछती है कि हरियाणा में सबसे ज्यादा वर्षा कहां पर होती है। और HSSC मानती है प्यारे बच्चों हरियाणा में सबसे ज्यादा वर्षा कहां पर होती है, ये लगातार HSSC ने माना है अंबाला। मैं बता देता हूं, हरियाणा में सबसे ज्यादा प्यारे बच्चों वर्षा कहां पर होती है? हरियाणा में सबसे ज्यादा पंचकुला में वर्षा होती है। और ऑप्शन में पंचकुला ना आए तो अंबाला में वर्षा होती है। लोकेशन पूछे तो हरियाणा की किस लोकेशन में वर्षा ज्यादा होती है? उत्तर पूर्व में ज्यादा होती है। और हरियाणा की किन पहाड़ियों में ज्यादा वर्षा होती है? तो शिवालिक की पहाड़ियां हरियाणा के उत्तर पूर्व में है, यहां पर वर्षा क्या होती है प्यारे बच्चों? ज्यादा होती है। तो ये चीजें आपको याद है रखना है अंबाला, ठीक है। ये बहुत बार एग्जाम का हिस्सा बनेगा। आज अंबाला को हम बिल्कुल क्या पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको दिक्कत ना हो। तो अंबाला कब बना? तो प्यारे बच्चों, जब हरियाणा बना ना 1 नवंबर 1966 को, उस टाइम हरियाणा में 7 जिले थे ना, उनमें से एक कौन सा था? अंबाला, गर्जे के में, गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद, करनाल और महेंद्रगढ़, 7 थे। उनमें क्या था आपका, एक अंबाला भी था। क्या था, कौन सा? अंबाला था। तो 1 नवंबर 1966 को आपका क्या बना था प्यारे बच्चों? अंबाला बना था। यहां से ना क्वेश्चन आता है अंबाला के इतिहास से, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? तो 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी प्यारे बच्चों? अंबाला केंट से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। कब मानी जाती है प्यारे बच्चों? 10 मई 1857 को 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। क्रांति की निर्धारित तिथि पूछे कितनी रखी गई थी? 31 मई 1857। लेकिन क्रांति की शुरुआत कब हो जाती है? 10 मई 1857। कहते हैं अंबाला केंट का एक कोई सिपाही होता था श्याम लाल, कई किताबें श्याम सिंह दिखाती है, और इसने ना इस विद्रोह की जानकारी किसको दे दी थी? अंग्रेजों को दे दी थी। किसको दे दी थी? अंग्रेजों को दे दी थी। इसलिए ना बच्चों अंग्रेजों ने, कहते हैं, भारतीय सिपाहियों को, बहुत से भारतीय सिपाहियों को अंबाला कैंट में मार दिया था। इसीलिए ना हरियाणा का गद्दार सिपाही किसे कहा जाता है? तो हरियाणा का गद्दार, हरियाणा का गद्दार किसे कहा जाता है? तो श्याम लाल को हरियाणा का क्या कहा जाता है? गद्दार। जैसे प्यारे बच्चों 13 अप्रैल 1919 को जो बैसाखी वाले दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसकी जानकारी अंग्रेजों को किसने दी थी? लाला हंसराज ने दी थी। उसकी जानकारी अंग्रेजों को किसने दी थी? लाला हंसराज ने उसकी जानकारी किसको दे दी थी? अंग्रेजों को दे दी थी। ये याद कर लेना, वो लाला हंसराज था और ये क्या था? श्याम लाल था। और अब प्यारे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि अंबाला केंट कब बना। ये क्वेश्चन HSSC का फेवरेट क्वेश्चन है कि अंबाला केंट कब बना। प्यारे बच्चों अंबाला केंट है ना
1843 में बना था। अंबाला कैंट कब बना था? 1843 में बना था। अनिल विज का जो विधानसभा क्षेत्र कौन सा रहेगा? अंबाला कैंट रहेगा। तो अंबाला कैंट कहाँ कब बना था? 1843 में बना था। और 1847 में ना ये क्वेश्चन है, अब आपको मैं जब पढ़ाऊंगा ना तो आप अचरज करोगे, अंबाला को जिले का दर्जा कब दिया गया? तो अंबाला को जिले का दर्जा 1847 में दिया गया। और अंबाला है ना किसका जिला बना था? पंजाब का। तो हरियाणा का जो पहला जिला है ना बच्चों वो कौन सा था? अंबाला था। हरियाणा का पहला जिला कौन सा था? हरियाणा का पहला जिला है ना अंबाला था। वैसे तो आप कहोगे 1 नवंबर 1966 को, तो हरियाणा गठन के समय ठीक है 7 के 7 जिले थे, अंबाला भी था उनमें, लेकिन अंबाला को जिले का दर्जा, हरियाणा का पहला जिला पूछे तो कौन सा बना था 1847 में? क्या बना था? अंबाला बना था। और प्यारे बच्चों 1860 में ना डाक प्रथा का प्रचलन, एक बार ये पूछा गया था डाक सेवा का प्रारंभ भी सबसे पहले कहां कब हुआ? 1860 में ना डाक सेवा का प्रारंभ कहां से हुआ? तो 1860 में जो डाक सेवा प्रारंभ की गई ना उसकी शुरुआत भी हरियाणा में कहां से हुई थी प्यारे बच्चों? अंबाला से हुई थी 1860 में। 1857 की क्रांति आपको पता है कैनिंग के टाइम में हुई थी, और 1860 में ना यहां पर डाक सेवा का क्या की गई थी? प्रारंभ की गई थी। और प्यारे बच्चों एक बार पूछा गया था अंबाला को रेलवे लाइन से कब जोड़ा गया? 1880 में ना अंबाला को किस से जोड़ा गया था? अंबाला को रेलवे लाइन से जोड़ा गया था। रेलवे लाइन वैसे तो सबसे पहले हरियाणा की पहली रेलवे ने बताया था फरुखनगर तक चली थी नमक ढोने के लिए 1865 में, लेकिन अंबाला को रेलवे लाइन से कब जोड़ा गया था? तो अंबाला को 1880 में किस से जोड़ा गया था? रेलवे लाइन से जोड़ा गया था। ये जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूं बच्चों, एक एक क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आएंगे। अब प्यारे बच्चों 1886 में ना, 1886 की बात है, अंबाला में क्या आई थी? कांग्रेस की पहली शाखा आई थी। ये क्वेश्चन आएगा हरियाणा में कांग्रेस की पहली शाखा कहां पर आई थी? तो हरियाणा में कांग्रेस की पहली शाखा प्यारे बच्चों अंबाला में आई थी। कब आई थी? 1886 में। और कांग्रेस की स्थापना कब हुई गुरुजी? 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। इसका पुराना नाम क्या होता था गुरुजी? इसका पुराना नाम प्यारे बच्चों भारतीय राष्ट्रीय संघ होता था। भारतीय राष्ट्रीय संघ यानी इंडियन नेशनल यूनियन होता था। इसे कांग्रेस का नाम गुरुजी किसने दिया था? इसे कांग्रेस का नाम दादा भाई नौरोजी ने इसे किसका नाम दिया था? कांग्रेस का नाम इसे किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने दिया था। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ना इंपॉर्टेंट है, यह याद कर लेना, इसकी जो पहले अध्यक्ष कौन होते थे? तो व्योमेश चंद्र WC बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष होते थे। और पहला अधिवेशन इसका कहां पर हुआ था? तो याद कर लेना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। कहां पर है ये कॉलेज गुरुजी? मुंबई में है। और ये इसकी स्थापना कहां पर होनी थी? पुणे में। क्या फैल गया था? प्लेग। तो इसकी स्थापना कहां पर हुई थी? मुंबई में हुई थी। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ये एक क्वेश्चन तो याद कर लेना। इसके संस्थापक कौन थे? सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये गलत होता है, इसके संस्थापक कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के? इसके संस्थापक प्यारे बच्चों AO ह्यूम थे। कौन होते थे इसके संस्थापक? AO ह्यूम थे। एक बार AO ह्यूम का पूरा नाम पूछा गया था, तो एलन ऑक्टेव ह्यूम है ना, इनका क्या होता था प्यारे बच्चों? पूरा नाम होता था। इनका पूरा नाम क्या होता था? एलन ऑक्टेव ह्यूम। इनका क्या होता था? पूरा नाम होता था। ये याद कर लेना बच्चों, एलन ऑक्टेव ह्यूम इनका क्या होता था? पूरा नाम होता था। स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 72 सदस्यों ने भाग लिया। उसमें हरियाणा से कौन गए थे? तो राय बहादुर लाला मुरलीधर कहां से गए थे? तो राय बहादुर लाला मुरलीधर है ना कहां से गए थे? ये इनका वैसे संबंध था पलवल से,
ठीक है। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली शाखा 1886 में कहां पर लेकर आए थे, अंबाला में लेकर आए थे। भारत के पहले जो जेल में जाने वाले स्वतंत्रता सेनानी भी राय बहादुर लाला मुरलीधर को माना जाता है, ग्रांट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब के नाम से भी राय बहादुर लाला मुरलीधर को जाना जाता है। और प्यारे बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला जो पूछे ना मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, बदरुद्दीन तैयब जी। पहला अंग्रेज अध्यक्ष पूछे तो जॉर्ज यूले था, ठीक है। यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, पहला अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी है, ठीक है। कांग्रेस का पहला महासचिव पूछे ना तो भी एओ ह्यूम रहेगा, इसे हर्मिट ऑफ शिमला या शिमला का संत भी कहा जाता है। तो ये चीजें है ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में प्यारे बच्चों पूछी जाती है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली शाखा हरियाणा में 1886 में आई थी, कौन लेकर आए थे, राय बहादुर लाला मुरलीधर के प्रयासों से आई थी। अब प्यारे बच्चों, जैसे एक बार पूछा गया था कि अंबाला है ना, ये नाम इसका अंबाला क्यों पड़ा, कई तो कहते हैं बच्चों 14वीं शताब्दी में ना एक अंबा राजपूत होता था, उसने बसाया था इसे। किसने बसाया था, अंबा राजपूत ने बसाया था इसको। किसने बसाया था 14वीं शताब्दी में, इसको अंबा राजपूत ने बसाया था, इसलिए इसका नाम अंबाला पड़ा है। और कुछ कहते हैं एक महाभारत का एक करेक्टर होता था अंबालिका, उसके नाम पर इसका नाम क्या पड़ा है, महाभारत के करेक्टर के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा है, अंबालिका के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा है, अंबाला पड़ा है। और कुछ इतिहासकार ये कहते हैं प्यारे बच्चों, यहां पर माता अंबा देवी का मंदिर है, ये ग्रुप डी में क्वेश्चन आया था, माता अंबा देवी का मंदिर कहां पर है। तो माता अंबा देवी का मंदिर कहां पर रहेगा प्यारे बच्चों, अंबाला में माता अंबा देवी का क्या रहेगा, मंदिर रहेगा, ये याद कर लेना, माता अंबा देवी का मंदिर अंबाला में रहेगा, इसलिए भी अंबाला का नाम अंबाला पड़ा। कुछ कहते हैं प्यारे बच्चों, आमों की अधिकता के कारण इसका नाम क्या पड़ा था, अंबों की अधिकता के कारण इसका नाम अंबाला। ये चारों के चारों क्वेश्चन HSSC ने पूछ लिए है। 14वीं शताब्दी में अंबा राजपूत ने बसाया, महाभारत में अंबालिका करेक्टर के नाम पर, माता अंबा देवी के मंदिर के नाम पर, और अंबों की अधिकता के कारण इसका नाम क्या पड़ा था, अंबाला पड़ा था। अब बच्चों इसकी प्रमुख तहसील की बातें कर लेते हैं। जैसे है ना कल जल्दी जल्दी में ना मैं आपको पढ़ा रहा था ना, हिसार की तहसील वो नारनौद की जगह नारनौल बोला गया था प्यारे बच्चों। कैप्टन अभिमन्यु का विधानसभा क्षेत्र है ना वो नारनौद हिसार रहेगा, नारनौल तो महेंद्रगढ़ में है, वो ठीक कर लेना क्योंकि जल्दबाजी में एक आधा क्वेश्चन हो जाता है। तो प्यारे बच्चों वो जल्दी से जाके पहले वो ठीक कर लेना, वैसे कमेंट पिन कर दिया था। तहसील है ना एक तो आपकी रहेगी अंबाला, खुद क्या है एक तहसील है, एक अंबाला कैंट जो अनिल विज जी का क्या रहेगा विधानसभा क्षेत्र रहेगा, और एक प्यारे बच्चों नारायणगढ़, इसे क्या कहा जाता है, हरियाणा का सिरमौर कहा जाता है, हरियाणा का सिरमौर, जैसे बिश्नोई समाज का सिरमौर चौधरी भजन लाल को कहा जाता है ना, तो हरियाणा का सिरमौर नारायणगढ़ को कहा जाता है। एक एग्जाम में ये पूछा गया था कि हरियाणा का सिरमौर किसे कहते हैं, नारायणगढ़ को। एक बराड़ा, ये क्या है प्यारे बच्चों, इसकी प्रमुख है तहसील में आएगी। एक बार पूछा गया नारायणगढ़ कहां पर है, अंबाला में, अंबाला कैंट, नारायणगढ़ और बराड़ा क्या रहेगी इसकी प्रमुख है तहसील रहेगी। यहां से प्यारे बच्चों क्वेश्चन एग्जाम में बनने ही बनने हैं। अब बात आती है अंबाला को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, इसको साइंस सिटी कहा जाता है। कौन सी सिटी कहा जाता है, साइंस सिटी कहा जाता है, हिंदी में पूछे तो वैज्ञानिक नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वैज्ञानिक नगरी कहा जाता है। भारत में कहते हैं प्यारे बच्चों जितने भी वैज्ञानिक उपकरण बनते हैं, जितने भी वैज्ञानिक उपकरण बनते हैं ना उनका 35% हिस्सा कहां से बनता है। भारत में जितने भी वैज्ञानिक उपकरण बनते हैं 35% अंबाला से बनते हैं, इसलिए इसको साइंस सिटी कहते हैं। और इसको ना बच्चों मिक्सी सिटी के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी सिटी, मिक्सी सिटी, घरों में जो आप ग्राइंडर वगैरह यूज करते हो, मिक्सी वगैरह यूज करते हो, वो ज्यादा कहां पर बनाई जाती है, अंबाला में बनाई जाती है। और एक क्वेश्चन पक्का आता है बच्चों, जो अंबाला और सिरसा है ना, अंबाला और सिरसा, यहां पर क्या है जो एयरफोर्स के मिलिट्री स्टेशन रहेंगे, क्या रहेंगे, मिलिट्री
एयर फोर्स स्टेशन रहेंगे, एयर फोर्स स्टेशन रहेंगे, मिलिट्री के क्या रहेंगे, एयर फोर्स स्टेशन। ये बहुत बार पूछा जाता है कहां पर रहेंगे, अंबाला और सिरसा में। और प्यारे बच्चों जो लोकसभा की है ना, लोकसभा की जो 10 सीटें हैं ना उनमें 2 आरक्षित है और वो भी 1-5 से कौन सी रहेगी, अंबाला और सिरसा। ये क्या रहेगी प्यारे बच्चों, लोकसभा की 2 आरक्षित सीटों में से रहेगी, ठीक है। विधानसभा की आरक्षित सीटें 17 रहेगी और लोकसभा की कितनी रहेगी, 2, अंबाला और सिरसा। एक बार ये डायरेक्ट ये क्वेश्चन है पूछा गया था, अंबाला और सिरसा ये क्या है, लोकसभा की 2 आरक्षित सीटें, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है पूछा गया। अंबाला में ना जो मुलाना है ना, अंबाला की आरक्षित सीट है ना 17 में, वो कौन सी रहेगी, मुलाना रहेगी। ऐसे भी आप याद कर सकते हो। तो इसको साइंस सिटी कहते हैं, मिक्स सिटी कहते हैं, और अंबाला और सिरसा ये मिलिट्री के क्या रहेंगे, एयरफोर्स स्टेशन रहेंगे, और लोकसभा की भी 2 आरक्षित सीटें कहां पर रहेगी, अंबाला और सिरसा में रहेगी। ये क्वेश्चन बच्चों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछे जाने हैं। एक बार ये पूछा गया था, आगामी एग्जाम में भी ये पूछा जा सकता है कि गुरु गोविंदपुरा साहिब गुरुद्वारा, यहां पर ना गुरु गोविंद पूरा साहिब गुरुद्वारा है, गुरु गोविंदपुरा, गुरु गोविंदपुरा साहिब, गुरु गोविंदपुरा साहिब, गुरु गोविंदपुरा साहिब गुरुद्वारा कहां पर रहेगा, अंबाला में रहेगा। कहां पर रहेगा, अंबाला में। और एक सबसे ज्यादा पूछा जाता है बच्चों, मंजी साहिब गुरुद्वारा, मंजी साहिब गुरुद्वारा कहां पर रहेगा, तो मंजी साहिब गुरुद्वारा अंबाला में रहेगा। याद ना रहे, मंजी माने चारपाई, और चारपाई पर बैठकर हम क्या खाएंगे, आम खाएंगे। और ये मंजी साहिब में कंफ्यूज होते हैं प्यारे बच्चों, श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा है ना, श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा वो कैथल में रहेगा। कहां पर रहेगा, तो श्री यानी श्री का मतलब है हम किसी को इज्जत देंगे ना, तभी श्रीमान और श्रीमती बोलते हैं। तो श्री का प्रयोग कहां पर होगा, थल पर, कैथल पर। और एक है गुरुद्वारा मंजी साहिब, गुरु द्वारा मंजी साहिब, और गुरुद्वारा मंजी साहिब है ना प्यारे बच्चों, ये रोहतक में रहेगा। कहां पर रहेगा, रोहतक में रहेगा। याद ना करे, याद ना रहे तो जो हमारा गुरु है ना वो हमें कभी रोने नहीं देगा। तो गुरुद्वारा मंजी साहिब कहां पर हो जाएगा, रोहतक में हो जाएगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है पूछा गया था, आगामी एग्जाम में भी क्वेश्चन है पूछा जा सकता है। एक बार आया था प्यारे बच्चों 1949 में ना, नथू राम गोडसे को 1949 में ना, नथू राम गोडसे को फांसी कहां पर दी गई, तो इनको फांसी कहां पर दी गई थी, अंबाला में दी गई थी, अंबाला जेल में इनको क्या दे गई थी, फांसी दी गई थी। इनकी पुस्तक भी है वह वाई आई किल्ड गांधी, मैंने गांधी को क्यों मारा है, नथुराम गोडसे की पुस्तक है, उसमें आप पढ़कर देखना। ये कहते हैं प्यारे बच्चों कि मैं महात्मा गांधी से ना 1920 में मिला था, और उस टाइम असहयोग आंदोलन चल रहा था, मैं चाहता ना तो महात्मा गांधी को वहीं पर मार सकता था, लेकिन मैंने गांधी को मारा नहीं। मेरे को पता था कि भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां होगी, और क्रांतिकारियों को अंग्रेजों से एक ही इंसान छुड़वा सकता है, वो है महात्मा गांधी। और जैसे ही मेरे को लगा कि भारत आजाद हो गया, अब देश को गांधी की जरूरत नहीं है, मैंने गांधी को क्या कर दिया, मार दिया। तो ये इनका संबंध आरएसएस से है, नथुराम गोडसे का संबंध किससे माना जाता है, आरएसएस से। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी को इन्होंने मारा था, और 30 जनवरी को ना शहीद दिवस के रूप में या कुष्ठ निवारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 1949 में नथुराम गोडसे को फांसी कहां पर दी गई थी प्यारे बच्चों, अंबाला जेल में नथुराम गोडसे को क्या दी गई थी, फांसी दी गई थी। ये क्वेश्चन है ना सारे के सारे आपको याद करने हैं। एक बार डायरेक्ट ये क्वेश्चन आया था, आगामी एग्जाम में भी प्यारे बच्चों डायरेक्ट ये क्वेश्चन बन सकता है कि सूरज कुंड गुरुद्वारा कहां पर है। देखो कितना सुंदर क्वेश्चन है, सूरज कुंड गुरुद्वारा, सूरज कुंड गुरुद्वारा। तो बच्चों सूरज कुंड गुरुद्वारा है ना वो कहां पर रहेगा, अंबाला में रहेगा। लेकिन सूरज कुंड का मेला पूछे ना कहां पर लगता है, तो सूरज कुंड का मेला वो फरीदाबाद में लगता है। कहां पर लगता है बच्चों, फरीदाबाद में लगता है। लेकिन सूरज कुंड गुरुद्वारा कहां पर रहेगा, तो सूरज कुंड का गुरुद्वारा कहां पर रहेगा आपका, अंबाला में रहेगा। और प्यारे बच्चों जो आपने डिस्ट्रिक्ट वाली सीरीज के प्रति प्यार दिखाया है ना, उसके लिए हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। और मैं कहूंगा बच्चों तक जितनी ज्यादा पहुंच सके इन वीडियो को पहुंचाने का कष्ट करें,
क्योंकि इनके लिए मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ती है आपके लिए। तो उम्मीद करता हूं कि आप चैनल को भी ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को भी शेयर करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि कितना फायदा हो रहा है। प्रसिद्ध उद्योग की बात करूं ना तो सीमेंट कारखाना पूछा जाता है, प्रसिद्ध उद्योग की बात करूं ना अंबाला के प्रसिद्ध उद्योग यहाँ का ना सीमेंट कारखाना पूछा जाता है। कौन सा कारखाना? सीमेंट कारखाना, ये सूरजपुर में रहेगा। कहां पर रहेगा सूरजपुर? कहां पर है? अंबाला में। यहां पर कौन सा कारखाना रहेगा? सीमेंट का कारखाना कहां पर रहेगा? सूरजपुर अंबाला में रहेगा। यहां का ना प्यारे बच्चों सिलाई उद्योग, ये भी पेपर में आ सकता है कि हरियाणा में सीमेंट उद्योग और सिलाई उद्योग कहां का फेमस है, अंबाला का एक बार पूछा गया था। इलेक्ट्रॉनिक कारखाना कहां पर है? अंबाला में। इलेक्ट्रॉनिक कारखाना, इलेक्ट्रॉनिक कारखाना भी कहां पर रहेगा? तो इलेक्ट्रॉनिक कारखाना भी कहां पर रहेगा प्यारे बच्चों आपका? अंबाला में रहेगा। कौन सा कारखाना है? एक फूड, जैसे जो ये पूछा जाता है बच्चों खाद्य प्रसंस्करण केंद्र सा अंबाला में, फूड पार्क जिसे आप बोलते हो, उसका पूरा नाम रहेगा खाद्य प्रसंस्करण, ठीक है। ये फूड पार्क पूछे तो खाद्य प्रसंस्करण केंद्र पूछे तो ये कहां पर रहेगा प्यारे बच्चों? सहा अंबाला में रहेगा। जैसे बरही सोनीपत में है ना, वैसे फूड पार्क मेगा फूड पार्क कहां पर रहेगा? तो सहा अंबाला में क्या रहेगा? मेगा फूड पार्क रहेगा। ये भी खाद्य ये पेपर में आया था, खाद्य प्रसंस्करण केंद्र कहां पर है? सहा अंबाला में है। और यहां के उद्यान पूछे ना, जैसे महावीर उद्यान है ना, एक बार आया था महावीर उद्यान, इंदिरा उद्यान, ये याद कर लेना प्यारे बच्चों, महावीर उद्यान, इंदिरा उद्यान, इंदिरा उद्यान और किंगफिशर, किंगफिशर उद्यान, ये सारे कहां पर रहेंगे? यहाँ के पर्यटन केंद्र मान सकते हो या उद्यान मान सकते हो। जैसे महावीर, बच्चों क्वेश्चन कई बार उलझा जाता है, जैसे महावीर स्टेडियम पूछे ना तो महावीर स्टेडियम आपका हिसार में रहेगा, लेकिन आपसे पूछे जाए महावीर उद्यान कहां पर रहेगा तो महावीर उद्यान है ना प्यारे बच्चों अंबाला में रहेगा। महावीर उद्यान, इंदिरा उद्यान कहां पर रहेगा? अंबाला में। और किंगफिशर उद्यान भी प्यारे बच्चों कहां पर रहेगा आपका? किंगफिशर उद्यान भी आपका अंबाला में रहेगा। इतना याद कर लेना, महावीर उद्यान, किंगफिशर उद्यान, जो विजय माल्या की एक एयरलाइंस भी थी ना किंगफिशर, तो ये किंगफिशर उद्यान कहां पर रहेगा? अंबाला में। एक इंदिरा उद्यान, महावीर उद्यान, ये कहां पर रहेगा? अंबाला में रहेगा। ये याद कर सकते हो, एक बार पूछा गया था प्यारे बच्चों महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय कहां पर है, यह भी सा अंबाला के मुलाना में है। महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी, महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय कहां पर रहेगा? ये प्यारे बच्चों मुलाना में रहेगा, जो अंबाला की क्या रहेगी? आरक्षित सीट रहेगी। तो महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय कहां पर रहेगा? मुलाना अंबाला में रहेगा। एक बार ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया था प्यारे बच्चों, वामन द्वादशी का मेला कहां पर लगता है? अंबाला में। वामन द्वादशी का मेला कहां पर लगता है? अंबाला में लगता है। ये फेमस मेला है प्यारे बच्चों। एक तीज का मेला, तीज का मेला भी कहां पर लगता है? अंबाला में लगता है। ये मेले पूछे गए थे, एक बार पूछा गया था गोगा नवमी का मेला और शारदा देवी का मेला। गोगा नवमी का मेला, गोगा नवमी का, नवमी का मेला और शारदा देवी का मेला, शारदा देवी का मेला, ये चारों मेले कहां पर लगते हैं प्यारे बच्चों? अंबाला में। वामन द्वादशी का मेला, तीज का मेला, गोगा नवमी का मेला और शारदा देवी का मेला कहां पर लगते हैं? अंबाला में लगते हैं। याद करना बच्चों, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। याद कैसे करोगे प्यारे बच्चों? हमारे मन में है ना, कौन सा फल खाने को हमारा मन करता है? आम, आम से अंबाला हो जाएगा। और जब तीज का त्योहार होता था ना तो पापा घर पे क्या लेकर आते थे? आम लेकर आते थे। और याद करना है ना, वैसे आम का मन किसका नहीं करेगा। बचपन में ना मतलब बड़ी खुशी होती थी जब पापा बाहर जाते थे ना, मतलब इतना इंतजार रहा करता था। और गालिब अक्सर यही बात कहा करते थे, मांगने से हर चीज मिल जाए,
इतना आसान थोड़ी है, ये जिंदगी है जनाब, पापा का घर थोड़ी है। तो प्यारे बच्चों, एक पापा ही ऐसे इंसान होते हैं जो हमें ना खुद की फरमाइशों को मारकर हमारी फरमाइश पूरी करते हैं। तो हमें अपने पापा की ना इज्जत करनी चाहिए प्यारे बच्चों। पापा और मम्मी के बिना इस जहां में कुछ भी नहीं है। सारे जो आपको आज दोस्त लगते हैं ना, हर एक रिश्ता है ना तब तक आपके साथ है जब तक है उसको आपसे मतलब है। गालिब कहते थे, टूट जाता है गरीबी में हर एक रिश्ता जो खास होता है, बहुत यार बनते हैं जब पैसा पास होता है। तो आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, अपने मम्मी पापा की इज्जत करनी है और आपके हिसाब से कोई भी मतलब रिश्ता है ना, उनके आगे सारे के सारे रिश्ते न्योछावर है। पता नहीं कितनी सोना बेबी न्योछावर करनी पड़े ना मम्मी पापा पर, कर देना, क्योंकि सोना बेबी से मिलने लायक किसने बनाया आपको? आपके मम्मी पापा ने बनाया है। और इंसान की फितरत क्या होती है, हम सोचते हैं कि पापा क्या जानते हैं, हम 21वीं सदी में रहते हैं। और प्यारे बच्चों, जो फीलिंग आज आप ले रहे हो ना, वो आपके पापा ने 25 साल पहले ले चुके हैं। वो तो आपके अपने पिता को आप है ना ऐसे मत सोचना कि उनको कुछ पता नहीं है, ये याद कर लेना। गोगा नवमी का मेला, शारदा देवी का मेला, तीज का मेला, वामन द्वादशी का मेला कहां पर लगता है? अंबाला में लगता है। कहां पर लगता है प्यारे बच्चों? अंबाला में। एक बार डायरेक्ट क्वेश्चन आया था प्यारे बच्चों, ये अंबिका देवी का मंदिर कहां पर है? अंबिका देवी, माता अंबा देवी, या आज भी है अंबिका देवी का मंदिर, अंबिका देवी का मंदिर कहां पर है? तो अंबिका देवी का मंदिर कहां पर रहेगा प्यारे बच्चों? अंबाला में रहेगा। अंबिका देवी का मंदिर या माता अंबा देवी का मंदिर भी आ सकता है। ग्रुप डी में ऐसे आया था माता अंबा देवी का मंदिर कहां पर है? तो अंबाला में। और उत्तरी रेलवे जोन का जो हेडक्वार्टर है ना, उत्तरी रेलवे जोन का जो हेडक्वार्टर है ना, वो भी कहां पर रहेगा आपका? अंबाला में रहेगा। और उत्तरी रेलवे जोन की वर्कशॉप पूछे ना, तो जो वर्कशॉप पूछे ना प्यारे बच्चों, तो वर्कशॉप आपकी हो जाएगी जगाधरी में हो जाएगी। और जगाधरी आपका कहां पर रहेगा? यमुनानगर में रहेगा। कहां पर रहेगा प्यारे बच्चों? पंजोखेड़ा गांव भी है के आपसे, अंबाला में पंजोखेड़ा गांव भी है, ये भी याद कर लेना। एक एग्जाम में शायद, पता नहीं ध्यान है कौन से एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा था, माँ दुख भंजनी मंदिर भी अंबाला में है। माँ दुख भंजनी मंदिर, माँ दुख भंजनी मंदिर भी कहां पर रहेगा? तो माँ दुख भंजनी मंदिर भी प्यारे बच्चों आपका कहां पर हो जाएगा? तो माँ दुख भंजनी मंदिर भी आपका अंबाला में हो जाएगा। साथ की साथ है ना, अच्छे से नोट्स बना लो और एक बार प्यारे बच्चों जीके को ऐसे पढ़ लो कि फ्यूचर में ना जीके हरियाणा जीके में कम से कम आपका नंबर ना कटे। एक हरियाणा जीके की और एक इंडिया जीके की डेली आपको क्लास मिल जाएगी, चिंता मत करना। एक प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा पूछा जाता है नागा बाबा पीर की दरगाह अंबाला में, नागा बाबा पीर की दरगाह, नागा बाबा पीर की दरगाह कहां पर है? तो नागा बाबा पीर की दरगाह कहां पर रहेगी प्यारे बच्चों? अंबाला में रहेगी। एक सबसे ज्यादा पूछा जाता है बच्चों पीर नो गज्जा की दरगाह, पीर नो गज्जा की दरगाह कहां पर है? तो पीर नो गज्जा की दरगाह कहां पर है? अंबाला और शाहबाद के बीच में है, अंबाला और शाहबाद के बीच में पीर नो गज्जा की दरगाह है। और जैसे ना एक इंसान की हाइट है ना प्यारे बच्चों कितनी, 15-20, एक इंसान की हाइट कितनी मानी जाती है? नॉर्मल 2 गज मानी जाती है, लगभग 6 फीट के आसपास अधिकतम हाइट है। जैसे आप मतलब 9 गज मतलब कितनी हाइट होगी, 29 फीट के लगभग हाइट होती थी पीर नो गज्जा की। आइडिया लगा सकते हो कितने लंबे पीर नो गज्जा जी होते थे। तो पीर नो गज्जा की दरगाह अंबाला और शाहबाद के बीच में, ये पूरा पूछा जाता है। यहाँ पर मन्नत पूरी करने के लिए, मन्नत पूरी करने के लिए क्या चढ़ाई जाती है?
तो प्यारे बच्चों, पीर नौ गज्जा की दरगाह पर ना मन्नत पूरी करने के लिए क्या चढ़ाई जाती है? घड़ी चढ़ाई जाती है। आप भी है ना घड़ी बोल दो, एग्जाम में जॉब लग जाएगी। वैसे तो पांच पांच छह छह दस दस लाख सेटिंग के लिए दे देते हो ना कि मैं जॉब लगाने वाले बहुत मिलेंगे एग्जाम आते ही, वहां दे देते हो। तो एक घड़ी बोल दो, और घड़ी बोलने मात्र के साथ साथ आपको पढ़ना भी पड़ेगा। तो ऐसा माना जाता है यहाँ पर मन्नत पूरी करने के लिए क्या चढ़ाई जाती है? घड़ी। तो पीर नौ गज्जा की दरगाह कहां पर है? अंबाला और शाहबाद के बीच में रहेगी। ये डायरेक्ट पूछा जाता है। एक आया था सेंट पॉल चर्च, सेंट पॉल चर्च ये इंपॉर्टेंट है, चर्च है इसलिए जरूरी है। सेंट पॉल चर्च कहां पर है? ये भी अंबाला में है। कहते हैं प्यारे बच्चों 1857 में इसका निर्माण किया गया था। 1857 में इसका क्या किया गया था? निर्माण किया गया था, लेकिन ना 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था ना, इंडो पाक युद्ध में ये क्या हो गया था, ये ध्वस्त हो गई थी। तो सेंट पॉल चर्च है ना, तो कहां पर मानी जाती है? अंबाला में मानी जाती है। 1857 में इसका निर्माण हुआ था और 1965 में भारत पाक युद्ध के टाइम में ये क्या हो गई थी, नष्ट। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, एक बार पूछा गया था। यहाँ के प्यारे बच्चों प्रसिद्ध व्यक्तित्व से क्वेश्चन आता है। किससे क्वेश्चन आता है? यहाँ के प्रसिद्ध व्यक्तित्व से क्वेश्चन आता है। प्रसिद्ध व्यक्ति तव से क्वेश्चन आता है। तो जूही चावला, ये पेपर में रट लेना, बहुत बार आया है। जूही चावला का संबंध कहां से है? अंबाला से। एक ओमपुरी, ओमपुरी का संबंध कहां से रहेगा? अंबाला से रहेगा। एक पूछा जाता है बच्चों परनीति चोपड़ा, परनीति चोपड़ा का भी संबंध कहां से रहेगा? अंबाला से। एक जो जोहरा बाई होती थी ना, जोहरा बाई जो क्या होती थी, गजल गायिका होती थी, गजल गायिका, उसका नाम संबंध भी कहां से रहेगा? अंबाला से रहेगा। याद करना मुश्किल नहीं है, याद करवाता हूं। अब कैसे याद करोगे? जो जूही चावला है ना वो परिणीति चोपड़ा की बहन है। अब आप कहोगे सर रियल में बहन तो नहीं है। अरे रियल में नहीं है, हमें क्या करना है। तो जूही चावला परिणीति चोपड़ा की क्या है? बहन है। और वो किसकी पूजा करती है? ओम यानी भगवान शिव की पूजा करती है। और भगवान शिव की पूजा करेगी ना, और भगवान शिव के शिवलिंग पर वो क्या चढ़ाती है? आम चढ़ाती है। चारों याद हो जाएंगे, जूही चावला परिणीति चोपड़ा दोनों बहनें, ओम भगवान शिव की पूजा करती है, ओम से ओमपुरी, और भगवान शिव को क्या चढ़ाएंगी? आम। तो आम से क्या हो जाएगा? अंबाला हो जाएगा। जोहरा भाई याद कर सकते हो, जोहर, जोहर यानी जान दे देना ना आग में कूद कर। तो 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां के लोगों ने जोहर किया था? तो अंबाला के। तो 1857 की क्रांति की शुरुआत ही यहां से हुई थी। तो 1800 से जोहराबाई क्या है? एक गजल गायिका। इनका संबंध कहां से है? अंबाला से है। अब प्यारे बच्चों सुचेता कृपलानी किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी ना, यूपी की। सुचेता कृपलानी का संबंध कहां से था? अंबाला से था। सुचेता कृपलानी का संबंध कहां से था प्यारे बच्चों? अंबाला से था। एक क्वेश्चन और एग्जाम में आएगा, सुषमा स्वराज, ये तो रट लेना। सुषमा स्वराज इनका संबंध कहां से था? सुषमा स्वराज का संबंध अंबाला कैंट से, सुषमा स्वराज का संबंध था। और प्यारे बच्चों इनकी शादी तो महेंद्रगढ़ में हुई थी, संबंध इनका अंबाला कैंट से था। कहते हैं कि इन्हें ये ना 1 नवंबर 2002 में ना इंसार में क्या बना था? दूरदर्शन केंद्र बना था। इंसार में क्या बना था प्यारे बच्चों? दूरदर्शन केंद्र बना था। तो इसका उद्घाटन करने के लिए, इंसार में जो दूरदर्शन केंद्र बना था ना, उसका उद्घाटन करने के लिए कौन आई थी? सुषमा स्वराज आई थी। तो सुषमा स्वराज का संबंध कहां से रहेगा? अंबाला कैंट से रहेगा। और बच्चों अभी है ना सुषमा स्वराज जी की जब मृत्यु हुई ना, तो अंबाला में प्यारे बच्चों एक क्या था? बस स्टैंड था। अंबाला में क्या था? एक बस स्टैंड था, उसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया उस बस स्टैंड का? सुषमा स्वराज बस स्टैंड कर दिया गया। ये करंट का क्वेश्चन बनेगा कि अंबाला में बस स्टैंड का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? सुषमा स्वराज बस स्टैंड कर दिया गया। अंबाला में एक बस स्टैंड था, उसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया प्यारे बच्चों? सुषमा स्वराज बस स्टैंड कर दिया गया। सुषमा स्वराज है ना ये बहुत मतलब
जैसे देखा जाएगा ना, राजनीति में बहुत आगे तक ये गई थी सुषमा स्वराज, गई थी सार दूरदर्शन केंद्र का उद्घाटन करने के लिए आई थी, और भारत सरकार में भी ये क्या रही थी, मंत्री रही थी सुषमा स्वराज। बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, इन्होंने एक बार डायलॉग बोला था मनमोहन सिंह पे, हमें उनसे है वफा की उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। तो मनमोहन सिंह और सुषमा स्वराज की कभी यूट्यूब पर आप डालना, हम तो सुषमा स्वराज ने जब मनमोहन सिंह ने कोई वफा पे बात कही थी तो उन्होंने पलटवार करके कहा, हमें उनसे है वफा की उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। कभी देखना यूट्यूब पे इनकी वीडियो आज भी मिल जाएगी, सुषमा स्वराज और मनमोहन सिंह की वीडियो है, डॉक्टर की मनमोहन सिंह जी की, तो देखना जरूर आपको मिल जाएगी। एक बार डायरेक्ट क्वेश्चन आया था प्यारे बच्चों कि सबसे ज्यादा ये जो राय बहादुर लाला मुरलीधर है ना, ये 1800 आपको पता है कि कौन सी शाखा लेकर आए थे, राय बहादुर लाला मुरलीधर। कई किताबें हैं ना, जैसे जैसे बताता हूँ राय बहादुर लाला मुरलीधर के बारे में बता देता हूँ, इनका ना संबंध कहाँ से था, पलवल से था, कहाँ से था, पलवल से। लेकिन बहुत सी किताबें हैं ना, इनका संबंध कहाँ से मानती है, अंबाला से। क्यों मानती है, क्योंकि 1886 में ना ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शाखा कहाँ पर लेकर आए थे, अंबाला लेकर आए थे। कई बार प्यारे बच्चों किताबों के हिसाब से HSSC क्वेश्चन उठा लेगा, तो आपसे ऑप्शन में पलवल ना मिले ना, पलवल ना मिले ना, तो आपको कर लेना है कि क्या कर दोगे, अंबाला कर दोगे। इनका संबंध कहाँ से था, हालांकि संबंध तो पलवल से था, लेकिन ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली शाखा कहाँ पर लेकर आए थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली शाखा अंबाला में लेकर आए थे। इसीलिए कई किताबें इनका संबंध अंबाला में बताती है, लेकिन इनका संबंध कहाँ से था, पलवल से था। ये डायरेक्ट एक बार क्वेश्चन है पूछा गया था। एक बार ये क्वेश्चन आया था, जो पहला समाचार पत्र था ना, हरियाणा की माटी का पहला समाचार पत्र, हरियाणा की माटी का पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो हरियाणा की माटी का पहला समाचार पत्र बच्चों कौन सा होता था, जैन प्रकाश होता था। कौन सा होता था, जैन प्रकाश होता था। इसके प्रकाशक कौन होते थे, जैन प्रकाश के प्यारे बच्चों जिया लाल जैन होते थे, जिया लाल जैन होते थे। और ये कब प्रकाशित हुआ था, 1885 में, और ये कहाँ से प्रकाशित हुआ था, अंबाला से प्रकाशित हुआ था। और 1885 में मैंने बताया था किसकी स्थापना हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भी स्थापना कब हुई थी, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। तो ये क्वेश्चन जैन प्रकाश कब आया था, 1885 में आया था, किसका था, जियालाल जैन का था। हरियाणा की माटी का पहला क्या माना जाता है, समाचार पत्र माना जाता है। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, आर्यों की राजधानी कौन सी होती थी, तो आर्यों की राजधानी, आर्यों की राजधानी, राजधानी कौन सी होती थी, तो बताया जाता है प्यारे बच्चों आर्यों की राजधानी कौन सी होती थी, अंबाला होती थी। आर्यों की राजधानी कौन सी होती थी, अंबाला। और अंबाला किस रेंज के अंतर्गत आता है प्यारे बच्चों, शिवालिक पर्वत श्रृंखलाओं के अंतर्गत कौन सा आता है, अंबाला आता है। इसीलिए अंबाला में HSSC मानती है कि हरियाणा में सबसे ज्यादा बारिश कहां पर होती है, अंबाला। दोबारा बता रहा हूं इस क्वेश्चन को, पॉइंट टू बी नोटेड, इसको जरा ध्यान से नोट कर लेना। हरियाणा में सबसे ज्यादा वर्षा प्यारे बच्चों पंचकुला में होती है। इन केस पंचकुला आपको ऑप्शन में ना मिले तब आपको अंबाला के साथ जाना है, दोनों ऑप्शन मिले तो पंचकुला के साथ जाना है। और एक क्वेश्चन बता देता हूं, हरियाणा में ना अगर कोई एरिया पूछे ना जहां पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है, छछरौली। गुरुजी कहां पर है, यमुनानगर में है। गुरुजी से क्या कहते हैं, हरियाणा का चेरापूंजी या हरियाणा का मानिस राम कहते हैं। पहले जब हम छोटे थे ना, बचपन में हमारे गुरुजी हमें पढ़ाते थे कि भारत में सबसे ज्यादा वर्षा चेरापूंजी में होती है, लेकिन वर्तमान में सबसे ज्यादा वर्षा मानिस राम में होती है। तो कोई भी क्वेश्चन बने, हरियाणा में सबसे ज्यादा वर्षा के कारण हरियाणा का चेरापूंजी या मानिस राम किसको कहा जाता है, तो हरियाणा का चेरापूंजी या मानिस राम किसको कहा जाता है प्यारे बच्चों, आपका अंबाला को, सॉरी यमुनानगर को कहा जाता है, हरियाणा में शिवालिक रेंज के अंतर्गत। एक बार ये भी क्वेश्चन आता है, सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे है ना
वो कि कहाँ से गुजरते हैं, अंबाला से सबसे ज्यादा बताए जाते हैं, नेशनल हाईवे गुजरते हैं, चार नेशनल हाईवे ना अंबाला से गुजरते हैं, बता देना कौन कौन से है। ये आपके लिए एक होमवर्क है, दे देता हूँ, नहीं बताओगे तो फिर अगले लेक्चर में हमें बताना पड़ेगा। और ये सीरीज प्यारे बच्चों आपके लिए कितनी हेल्पफुल है या नहीं है कॉमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि जब तक बच्चों के कॉमेंट आते हैं ना तो हमारा दिल करता है और अच्छे से पढ़ाने के लिए। अगर कमेंट नहीं आते ना और तो हमारा ही दिल धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, मैं तो हमेशा बच्चों को कहता हूँ, एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे, बच्चों ने जितना प्यार दिया है ना उसके हम सदैव क्या रहेंगे, आभारी रहेंगे। ठीक है, ये बहुत बार एग्जाम का हिस्सा रहते हैं। और हरियाणा में बच्चों पहली रेलवे लाइन रेवाड़ी में 1873 में बिछी थी। रेवाड़ी में रेलवे लाइन कब बिछी थी, 1873 में, वो अलग है क्योंकि रेवाड़ी क्या था, सबसे पुराना रेलवे जंक्शन था, सबसे पहली रेल है ना फरुखनगर तक चलाई गई थी 1865 में, वो बताया था नमक ढोने के लिए चलाई थी, गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट तब करवाया। और अंबाला में रेलवे लाइन से अंबाला को कब जोड़ा गया था, 1880 में। और सबसे पूछे पहले पूछे ना, ये जो मेट्रो रेल हरियाणा में कहां पर चली थी, सबसे पहले गुरुग्राम में चली थी, कब चली थी, 2010 में चली थी। और पहली सीएनजी ट्रेल पूछे ना, कॉन्फ्रेंस नेचुरल गैस वाली, वो रेवाड़ी से रोहतक चली थी, कहां से कहां तक चली थी, रेवाड़ी से रोहतक तक है चली थी वो। प्यारे बच्चों जब रेवाड़ी या रोहतक पढ़ेंगे ना तब मैं आपको बताऊंगा, ये वो सिलेक्टेड क्वेश्चन करवाता हूं जो आपके एग्जाम में आने के क्या रहेंगे, चांसेस रहेंगे। यहां से क्वेश्चन आगामी एग्जाम में भी प्यारे बच्चों आपसे बन सकता है। मैं तो कहता हूं एक बार कोई क्वेश्चन आए ना उसको इतना डिटेल से पढ़ लो ताकि फ्यूचर में कोई क्वेश्चन आए तो गलत है ना हो। और प्यारे बच्चों रही आपके, मैं तो आपको हरियाणा जीके और इंडिया जीके दो क्लास से दूंगा और आपको कंप्लीट कोर्स चाहिए ना हरियाणा पुलिस का, 349 रुपए में 10 के 10 सब्जेक्ट मेरी लाइव क्लास रहेगी। नंबर दे देता हूँ 7478-4007। जल्द ही ये 349 वाला खत्म हो जाएगा ऑफर। ग्राम सचिव, पटवारी, कनाल पटवारी, जितने भी एग्जाम है आगे, स्टाफ नर्स, MPHW, वो 10 के 10 सब्जेक्ट 199 रुपए में मिल रहे हैं। अच्छा लगे तो ले लेना, अदरवाइज कोई दिक्कत है नहीं है। पूरी टीम बड़ी शिद्दत से, ग्राम सचिव का एग्जाम देखा होगा, जो हमने पढ़ाया था हमारी टीम ने वही आया था। अच्छा लगे तो ले लेना, ये अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही रहेगा, कल आपसे दोबारा रूबरू होंगे नया डिस्ट्रिक्ट लेकर। वीडियो को शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, और हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो।